गोरखपुर में रविवार को 24 घंटे के अंदर केवल 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,242 पहुंच गया है। इनमें 20,625 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 349 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 268 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट, गोरखनाथ, कोतवाली, शाहपुर, राजघाट और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक एक मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें पाली, भटहट और जंगल कौड़िया में एक एक, कौड़ीराम में 2 और चरगांव में 3 मरीज मिले। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए कहा कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।